Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about role of parenting style in the educational achievement of a girl child. It is very important to discuss because many factors are present in our surrounding which affect a girl child positively or negatively. Factors such as their family environment, surrounding, friend circle, media, internet, Facebook, parental relationship, society and nation. ये सभी factors कहीं ना कहीं बालिकाओं को प्रभावित करते हैं. तो इसीलिए role of जो parenting है वो थोड़ा सा important हो जाता है इस stressful environment में. तो आज हम इसीलिए इस topic की बात कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं असर हमारे educational achievement पर पड़ता है. First is, जब भी हम लड़कियों की बात करते हैं तो फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन द मेल्स. वो ज़्यादा भावुक होती हैं. इमोशनल फीलिंग्स जो हैं वो उनके अंदर ज़्यादा आती है क्योंकि वो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है. तो इसीलिए यहाँ पर पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे वो अपने गर्ल्स चाइल्ड को इमोशनली स्टेबल बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं कि भावात्मक रूप से वो कैसे मजबूत हो, उसको कमज़ोर ना बनाया जाए, है ना. कई बार हम देखते हैं हमारे चारों तरफ कई महिलाएं होती हैं जो बोलने से पहले, अपनी बात को रखने से पहले रोने लग जाती हैं. तो वो अपनी बातें दूसरों के समक्ष नहीं रख पाती हैं. तो उन चीज़ों के लिए जो रोल ऑफ पेरेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर अपना इन सब चीज़ों की शुरुआत अपने घर से ही की जाए और वो बच्चा अगर अपने घर में अपने माता पिता से अपनी बातें शेयर कर पा रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ वो बातों को रख पा रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन होता है और फिर उन बातों को जब वो समाज में रखता है तो एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट के साथ रखता है. तो यहाँ पर उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो उसके अंदर तभी आएगी जब उसकी बातों को वो अपने पेरेंट्स के सामने रखेगा और उनकी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा. तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनके इमोशंस भी स्टेबल होंगे क्योंकि उनको अपनी बातों को रखना आएगा और भावात्मक, उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भावात्मक रूप से उनको एक सपोर्ट मिलेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इज़, जब हम कहीं इमोशनली हम स्टेबल हो जाते हैं, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है क्योंकि हमारी बातों को पसंद किया जा रहा है. अगर हमें बार बार क्रिटिसिज्म मिलेगा तो हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे. हम कहेंगे अरे हम इनको जितनी बार भी ये बात बताते हैं ये हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हम अपनी बातों को फिर नहीं बताते हैं. लेकिन अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड को एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होता है और वो जो जीवन के कठिन से कठिन लेसन्स होते हैं उनको बहुत ही हैप्पीली सीख जाती है और इससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है. जब हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो हमारे अंदर जो लाइफ को लेकर जब हम हैप्पीली कोई लेसन सीखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड पर पड़ता है और हमारा जो एटीट्यूड है वो लाइफ की तरफ पॉजिटिव हो जाता है. लेकिन अगर पेरेंट्स बार बार क्रिटिसाइज़ करेंगे एक गर्ल चाइल्ड को तो उसका जो एटीट्यूड है लाइफ के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट और गर्ल के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप हो ताकि उसका लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो. जैसा हमने पहले की स्लाइड्स में टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात की है तो उसमें सबसे जो बेस्ट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें कि इन विच देयर इज़ अ स्पेस फॉर ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन गर्ल चाइल्ड एंड अ पेरेंट. और उन जो पेरेंट्स हैं वो अपने गर्ल चाइल्ड की सारी बातों को सुन रहे हैं और अगर कोई बात उनको एक्सेप्टेबल नहीं लगती है तो वो उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और अगर एक्सेप्ट करने लायक लगती है, एफर्मेटिव जो एक्शंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है. तो यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है वो गर्ल चाइल्ड के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो हमारे सोशल रिलेशनशिप पर भी असर डालते हैं. अगर हमारा पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, हमें घर में पालन पोषण बहुत अच्छा मिल रहा है और हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट देख रहे हैं तो हमारे जो बाहर के सामाजिक रिश्ते हैं वो भी अच्छे बनते हैं. हम
बाहर वो फ्रस्ट, कभी कभी क्या होता है हमारे घर के जो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे हम अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी कभी अपने सोशल रिलेशनशिप्स भी ख़राब कर देते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल भी बाहर हम उस चीज़ों को, उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पर जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ को भी स्पॉइल कर देता है एक गर्ल चाइल्ड के। हम गर्ल चाइल्ड की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, ज़्यादा समय फैमिली के साथ बिताती हैं, तो इसीलिए रोल ऑफ पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लाइफ को लेके, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा लाइफ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा असर और पॉजिटिव इफेक्ट हमारे एजुकेशनल अचीवमेंट पे देखने को मिलता है। अगर हमारा घर में क्रिटिसिज्म होगा, आप 90% भी लाएंगे तो क्रिटिसाइज़ किए जाएंगे, 95 भी लाएंगे तो क्रिटिसाइज़ किए जाएंगे, तो हमारा जो एजुकेशनल अचीवमेंट पे है वो हम सोचते हैं कि अरे हम कितना भी अच्छा करेंगे इनको तो हम खराब ही लग रहे हैं हमारे मार्क्स, तो हम क्या करते हैं फिर एफर्ट डालना बंद कर देते हैं। तो पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं टू डू वेल इन देयर एकेडमिक्स, कि ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ उनके एकेडमिक में। यहाँ पर अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो गर्ल चाइल्ड को इन सब चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं। अगर आपके घर में एक भाई है, एक बहन है, आपका एक बेटा है, एक बेटी है, और आप घर में ही बेटा बेटी के साथ सेम व्यवहार कर रहे हैं, सेम बिहेव कर रहे हैं, तो वो जेंडर इक्वलिटी के जो बेसिक लेसन है वो घर से ही सीख रहा है कि मैं अपने भाई से कम नहीं हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों इक्वल हैं। तो जेंडर इक्वलिटी के लेसन्स जो हैं वो हमें घर से ही स्टार्ट करने होंगे, तभी गर्ल चाइल्ड जो है वो जेंडर इक्वलिटी के बारे में समझ पाएगी। पेरेंटिंग इसलिए भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो एडोलिसेंट की स्टेज होती है वो बहुत टफ स्टेज होती है, क्योंकि एडोलिसेंट की स्टेज में जो गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं और मेंटली भी वो प्रेशराइज होती है क्योंकि उसको करियर को लेकर के भी कई डिसीजन लेने होते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि उनको उनको अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करना होता है, क्योंकि कई सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, कई हमारे अंदर एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी हम किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं, इसमें इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है पेरेंट्स का। कई हम रूलर और बैकवर्ड फैमिलीज़ में देखते हैं कि नैरो माइंडेड पीपल होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं। अगर आप गर्ल्स को स्कूल ही नहीं भेजेंगे तो हम इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं कि एजुकेशनल अचीवमेंट पे हम बात कर रहे हैं, वो हम एजुकेशनल अचीवमेंट पे बात नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बच्ची को स्कूल डालना वो जो पहला स्टेप है वो पेरेंट्स का ही होता है। तो ये नैरो माइंडेड जो पेरेंट्स की होती है वो भी कहीं ना कहीं एक हर्डल का काम करती है इन द गर्ल्स अचीवमेंट। पेरेंट्स का गर्ल चाइल्ड के साथ एक गुड बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसको मोटिवेट करते हैं, वो उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं कि ताकि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए। कई बार हम बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़ में देखते हैं कि जो बड़ी बहन होती है उसको छोटे भाई बहनों की टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है स्कूल भेजने के बजाय, वो क्या करते हैं इम्पॉर्टेंस देते हैं कि आप अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए इन कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा लेने के लिए उनको स्कूल में नहीं भेजते हैं, डोमेस्टिक जो वर्क है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रैदर देन गोइंग टू स्कूल भेजने से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी कभी कभी एजुकेशन में बहुत बड़ा हर्डल आ जाता है कि वो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं, वो अपने डोमेस्टिक वर्कलोड की वजह से घर में ही रह जाती हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। कभी कभी शादी भी हमारे लिए एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हर्डल हो जाती है गर्ल चाइल्ड की लाइफ में, क्योंकि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो उनको प्रेशराइज करते हैं और स्कूल से निकाल देते हैं कि शादी करने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। इस आउटलुक को भी थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्ल्स को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं जिनके बारे में उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। कई मंथली ऐसी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे वो कभी कभी स्कूल को ड्रॉप आउट कर लेती हैं, तो ये पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पे वो की रोल प्ले करते हैं कि वो उनको गर्ल्स को उसकी वीकनेसेस ना समझाएं, उन प्रॉब्लम्स को उनके स्ट्रॉन्ग रूप में उनके सामने दिखाएं, कि ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग रीजंस बताएं उनको कि एक इम्पॉर्टेंट
बताएं लाइफ की, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताएं, और उनको अवेयर करें उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ड्रॉप आउट्स को ज़रूर कहीं ना कहीं कम करेंगी और उनको राइट डायरेक्शन भी करेंगी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, कि वो अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करने से झिझके नहीं, हेजिटेट महसूस ना करें। कई रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, कई तरीके का हरेशमेंट होता है, कोई लड़कियों को मेंटली हरेस्ट करता है, कोई फिजिकली हरेस्ट करता है, तो ये सब अवेयरनेस भी लड़कियों के मन में पेरेंट्स को बतानी चाहिए कि किस तरीके से आपके लिए क्या लॉज बने हैं, क्या आपके लिए पॉलिसीज़ बनी हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनी हैं आपके प्रोटेक्शन को लेके, क्या लॉज बने हैं, इस तरीके की अवेयरनेस भी हमको सोसाइटी में लानी चाहिए कि जेंडर बेस्ड जो वॉयलेंस है वो नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स को इन सब चीज़ों से बात करनी चाहिए अपने गर्ल चाइल्ड को लेकर, गर्ल चाइल्ड के साथ, इसमें हमें हेजिटेट नहीं महसूस करना चाहिए। इससे जो गर्ल चाइल्ड है वो मेंटली हर चीज़ के बारे में अवेयर है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है कि वो उसके बारे में नहीं जानती है, चाहे वो उसके राइट्स हैं, चाहे वो उसकी ड्यूटीज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, और वो कभी उस अपने आप को आइसोलेट भी फील नहीं करेगी। अगर उसके साथ कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपने पेरेंट्स के साथ वो उसको डिस्कस कर पाएगी और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर पाएगी। पेरेंट्स एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है, जो हमको पेरेंट्स ही दे पाते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, इस टाइप के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करके हम अपनी बालिकाओं को अच्छा जीवन दे सकते हैं। सो ये था रोल ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इन द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को अपने गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, और एक एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम इन अवेयरनेस को फैला सकते हैं, और समाज में जो भी अभी भी छोटी मोटी कुरीतियाँ रह गई हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, उनको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।